बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। नाज़रीन, हुकूमत ने जर्नलिस्ट के ऊपर कदगन लगाकर उनको कैद करने की कोशिश की है, जिसके हवाले से आज पूरे पाकिस्तान की सहावी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। अभी हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी तंजीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, आखिर क्या वजह है कि हुकूमत सहाफ़ियों को कैद करना चाहती है, सहाफ़ियों के कलम को अपने जोर बाजू पे काबू करना चाहती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं RIUJ के सदर आमिर सज्जाद सैयद। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये धरना क्या मकासद क्या है हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले इस्लाम जी, देखिए हुकूमत की कोशिश आज से नहीं हमेशा से रही है कि जब कोई भी लीडर जो होता है वो आता है हुकूमत में, तो उसकी ये कोशिश होती है कि जो हम अच्छे काम करें वो ज़रूर दिखाए मीडिया, लेकिन जो बुरे काम करें वो आवाम तक ना पहुंच सके। तो इसी तरह हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत है जो हमारे ऊपर कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। आज जो सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ वो जब पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में प्रेसिडेंट साहब ने जब खिताब करना था, उस मौके पर हमारे जो पार्लिमानी रिपोर्टर थे उनका दाखिला बंद कर दिया गया, वहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए गए। ये तारीख का स्याह दिन है, जिस दिन ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले कोई ऐसी डिक्टेटर हुकूमत भी नहीं थी जब ये काम हुआ, लेकिन आज जिसे हम जमहूरियत की हुकूमत कहते हैं, जमहूरी हुकूमत कहते हैं, और आज के दिन ये वाक़ा हुआ इंतहाई शर्मनाक वाक़ा है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है अभी हमारे एक दिन के धरने से उसकी जो उसको बौखलाहट नज़र आ रही है, और उसे ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमारी आवाम आपसे महंगाई से तंग पड़ गई है, इसी तरह हमारा जो मीडिया है वो आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अभी आपके सामने हमारा देखा होगा आपने, जैमर लग चुके हैं, मोबाइल सर्विस बंद हो चुकी है, इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि कुछ चैनल पे हमारी कवरेज हो रही थी और हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि ये जो हमारा धरना है ये दो मुतालबात हमारी हुकूमत से हैं और दो ही मुतालबात जो हैं वो मालकान से हैं, इस वजह से ना हम उनके हक में हैं ना हम उनके हक में हैं। हमारा सिर्फ एक ही है मिशन है, हमारी एक ही जदोजहद है कि हमने अपने वर्कर को हक लेके देना है। कोई नहीं यार, ये मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे, मैं क्योंकि मैं जिससे आपने कहा दो तीन दौर, मैंने तो मार्शल लॉ भी देखा, ये तीसरी गवर्नमेंट है जो इलेक्ट होके आई है, सारों ने कोई ना कोई कोशिश अपने तौर पे की है मीडिया को दबाने की, उसको डराने की, होता नहीं किसी से, परवेज़ मुशर्रफ नहीं कर सका, कोई और क्या करे। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं गवर्नमेंट फवाद साहब, हम दे दें बिल, कहें यार ये बिल है, हम ये लेने के आना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अजाब जो हम पे नाजल हुआ है वो इस बिल के सूरत में, वकाले कानून की सूरत में हो रहा है, और ये इतना बड़ा अटैक है कि ये हमारे पूरे कम्युनिटी को लेकर डूबेगा और हमारा हम लोग सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। तो इसमें सूरत यह है कि पहले हम पे अटैक हुए, लेकिन छोटे मोटे अटैक थे, हमारी जानों पे हुए, हम सहते रहे, ये पूरी कम्युनिटी पे। तो पूरी कम्युनिटी का यह है कि आपने सबने मिल के जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उन्हें उन्होंने एक ही पेज पे आना, तो उसमें अगर आपने ना रिएक्ट किया, इससे ना बचाया, तो फिर ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से जर्नलिज़म ख़त्म हो जाएगी, वही चाइना वाला स्टाइल चलेगा।
तो अगर बच गए फिर हम जिंदा रहेंगे। हम अपना एक एहतजाज कर रहे हैं और वो एहतजाज हम करते रहेंगे। अगर आपने फर्ज करें कोई इस तरह का कानून बना भी लिया तो माजी के भी बहुत से हुक्मरानों ने बहुत से काले कवानीन बनाए हैं। आपका नाम बदकिस्मती से आइंदा आने वाले उन लोगों में हो शुमार होगा कि आपने भी अपनी हुकूमत में एक काला कानून बनाया। और जब आप इस किसी को काला कानून बनाते हैं तो फिर कल जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप उसे काला कानून कहते हैं। जो कानून आप हुकूमत में रहते हुए बनाते हैं वो अपोजिशन में रहते हुए आपको काला कानून नजर। सिर्फ इतना अगर इमरान खान इस चीज़ को समझ लें तो शायद इन्हें ये अथॉरिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये कितना ख़तरनाक है। ये एहतजाज जो है हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लेकिन ये धरना जो है ये पूरे समाज के लिए है। ये इस मुल्क के जो एक महजब समाज होता है उसके लिए है, और महजब समाज उस वक्त होता है जब इतलात पर, मीडिया पर, इजहार राय पर पाबंदियाँ ना हों। और जब आप देखते हैं कि पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, माशरे को खामोश किया जा रहा है, तो फिर सहाफ़ी जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बाहर निकलें। और ये आज हमारे लिए नया मसला नहीं है, हम जब से पाकिस्तान बना है हमारे बड़े जदोजहद करते चले आ रहे हैं। पहले 1963 का प्रेस पब्लिकेशन आर्डिनेंस बना था, स्याह तरीन वो कानून था, उसके लिए 20 साल हम लड़े, उसको ख़त्म करवाया। फिर इस तरह हर हुकूमत जो आती रही, चाहे वो वर्दी में थी चाहे शरवानी में थी, वो ये पाबंदियाँ लगाती रही। लेकिन सहाफ़ियों ने, इस मुल्क के दानिशवरों ने हमेशा इन पाबंदियों को मुस्तरद किया है। और ये धरना भी आज जो काला कानून बनाया जा रहा है, जो अजीब हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान, जो ख़ुद वादा करते थे, जो आज़ादी सहाफ़त के दाई थे, आज अगर उनसे ये कानून मंजूर करवाया जा रहा है तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक बात है। देखिए जी, ये दबाव, इससे ज़्यादा बड़ा दबाव क्या होगा कि इस वक्त पूरे जो माशरे के जो की शोबे होते हैं, वकला इसके ख़िलाफ़ हैं, पॉलिटिशन इसके ख़िलाफ़ हैं, सहाफ़ी इसके ख़िलाफ़ इसमें सड़क पर बैठे हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं। तो दबाव लेना चाहिए हुकूमत को, और ये दबाव हुकूमत के मफाद में है। हम चाहते हैं कि हुकूमत के मौजूदा हुकूमत, तारीख लिखी जा रही है ना, जो भी तारीख माजी बन जाता है गुजरा लम्हा, तो ये अगर कानून पास होता है तो इस हुकूमत के तारीख में ये एक दागदार होगा। तहरीक इंसाफ के दौर में ये कानून बना था, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे मशवरों से बचना चाहिए जो उनको इस गहरी सुरंग में, अंधेरे में धकेल रहे हैं। लेकिन हम इस समाज को, इस माशरे को अंधेरे में धकेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत इस कानून की आड़ में ऐसे काले कवानीन नाफज करना चाहती है जिसके बाद जो मीडिया है, टीवी चैनल, अखबार हैं, वो सिर्फ प्रेस रिलीज तक महदूद हो जाएंगे। किसी गरीब आदमी का, किसी के मसाइल का, मुल्की मामला को लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो हमारा यही मुतालबा है कि ये जो कानून है, ये जो लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो कि इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी, ये हुकूमत इससे बाज रहे। इस मुल्क में पहले से बड़े कानून मौजूद हैं, जो पहले से कानून मौजूद हैं उन पर अमल दरामद करें। मीडिया जो है जिम्मेदार अदा रहा है, और मीडिया ने कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की, किसी के खिलाफ कोई ऐसी खबर नहीं छापी जिसकी बुनियाद ना हो। तो ये एक ऐसा कानून छापने की कोशिश हो रही है जिसके नतीजे में संसद नाफज हो जाएगा इस तरह का, कि उसके बाद जो है पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान रह जाएगा, बाकी जो मीडिया है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे नुमाइंदे हैं, हुकूमत में हुई अपोजिशन, सारे हमारे नुमाइंदे हैं। तो ये अगर जाके आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत को रियलाइज़ कराएंगे कि आप एक गलत कदम करने जा रहे हैं, तो यकीन नहीं उसका असर होगा इंशाल्लाह। हुकूमतें तो हमेशा कदगने लगाती हैं, हर हुकूमत ने लगाई हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि उन कदगनों के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद की जानी चाहिए। और PFUJ जो है अपनी तारीख में हमेशा जदोजहद करती रही है। हमने उन तमाम कवानीन को, जो काले कवानीन थे, प्रेस की, प्रेस पर पाबंदियों के कवानीन थे, उनको कभी तस्लीम नहीं की। हम कह रहे हैं कि PMDA का कानून जो है वो काला कानून, उससे पूरी मीडिया इंडस्ट्री पर जो है वो हकूमती कंट्रोल जो है वो मजबूत होगा। तो इसके लिए हम मैदान अमल, साफियों ने अपने हकूक़ के लिए धरना दिया हुआ है यहाँ पर, और साफियों ने हर दौर में अपनी आवाज़ उठाई। इस बार जो पाकिस्तान मीडिया जो है वो अथॉरिटी के बिल जो लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल लेकर आ रहे हैं,
तो इस बिल के अंदर साफियों का ये कहना है कि इसमें ऐसी शिकें हैं कि जिससे के ज़रिए से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं उनके ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई जाएँ। पाबंदियाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आते ही जहन में एक ही चीज़ आती है कि इन्होंने हमेशा से मीडिया के ऊपर कदगन लगाई है और मीडिया के ज़रिए ही ये लोग आगे आए और उसके बाद इन्होंने कदगन लगाई है मीडिया के ऊपर। लेकिन इस बिल के ऊपर साफियों को एतराज़ात है, साफियों को भी जो है वो इस हुकूमत को साफियों को जो लोग एतराज़ात जिनको यहाँ पर धरने में जो लोग हैं जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, बजाय इसके कि फवाद चौधरी साहब ने आज भी सुबह एक ट्वीट किया कि जी साफियों को पैसे मिल रहे हैं या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह होना चाहिए कि मुज़ाकरात किए जाएँ, साफियों से बातचीत की जाए, जिन शिकों के ऊपर साफियों को एतराज़ात है उन शिकों के हवाले से मुशावरत की जानी चाहिए और जो अच्छी शिकें हैं जैसे कि तमाम मीडिया चैनल के जो मालकान हैं उनके हवाले से बात की गई है कि वो मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो ये शिक होनी चाहिए और बाकी जो शिकें समझते हैं कि नहीं है बेहतर जिनके ऊपर साफियों को एतराज़ात हैं उनके हवाले से मुशावरत होनी चाहिए। ये मौजूदा हुकूमत से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी और ख़ास तौर पर मीडिया पर्सनस को, मीडिया वर्कर्स हों या जर्नलिस्ट हों, इनको ये बड़ी उम्मीद थी कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस तरह की बातें करते थे कंटेनर पर खड़े हो गए, उनको यह था कि मीडिया को ये मज़ीद आज़ादी देंगे, मज़ीद चैनल आएंगे, मज़ीद लोग जो आएंगे। लेकिन ये कोई बदकिस्मती है इस हुकूमत की भी और हमारी भी कि उनके आने के बाद ये हुआ कि मीडिया हाउसेज़ में लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया, बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ बंद हो गए। तो ये हमारी जो पी एफ यू जे की तहरीक है, पी एफ यू जे एक जो हमारी एक तंजीम है, ये एक तहरीक का नाम है, ये अयूब खान के दौर से जो है अपनी आज़ादी की जदोजहद जो है वो जारी है। तो अभी ये था कि जब इनने बिल्कुल आपने रोज़गार छीनना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर ये है कि पी एफ यू जे ने एक कॉल दी, उस कॉल पे हम यहाँ पे आए हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं, सिर्फ ये बात है कि मीडिया को आज़ादी दी जाए जिस तरह मीडिया पहले एग्जिस्ट करता था। और बड़ी ये बड़ा अलमिया है हमारा, मैं तो ये बात अब खुल के करूँगा, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन भी आप कह लें इसको, कि मुशर्रफ दौर में चैनल आए, यानी कि डिक्टेटर के दौर में चैनल आए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में के दौर में चैनल बंद हो रहे हैं और वो भी नए पाकिस्तान का जिनने बात की थी उनके दौर में। तो मीडिया पे जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं और ख़ासतौर पर जो कानून साजी की जा रही है और ऐसे तरीके से कानून साजी की जा रही है कि पहले आर्डिनेंस लाने की हवाले से बात की गई, फिर उसके बाद ये कोशिश की गई कि इसको हम लेके आएंगे खुफिया रखा जाए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको ये खुफिया रखना चाहते हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान सबसे पहले मीडिया की आज़ादी की बात करने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान खुद है। जी देखिए, जैसे कि अब हर चाहे वो सहाफ़ती तंजीमें हैं चाहे अपोजिशन जमातें हैं सिविल सोसाइटी है, उन्होंने पीएमडीए के जो कानून है उसको मुस्तरद कर दिया और इसे एक काला कानून करार दिया है। उसकी वजह क्या है कि इस कानून का अगर मैं लुबे लुबाब करूं, यानी कि मैं अगर समंदर को कूजे में बंद करूं, कि ये है कि फिर सहाफ़ी जो है वो कोई खबर नहीं देगा, फिर वो जो है आलू टमाटर सब्जी की कीमतें बता रहा होगा इस कानून के बाद, क्योंकि आप अगर एक सहाफ़ी है वो अपने ज़राए से खबर देता है तो कहा जा रहा है कि जी अगर सहाफ़ी की वो खबर बाउंस होती है, फेक होती है, आप देखे ज़राए होते हैं, आप उस खबर पर 10 करोड़ का जुर्माना रख रहे हैं, सहाफ़ी को 10 करोड़ और मालिकान को यानी कि टीवी चैनल को आप 25 करोड़। तो भाई ये हैरान होने की बात है, ये कैसा कानून है? उसके बाद आप तमाम कदगने लगा रहे हैं। आप देखिए, आपकी माजरत के साथ इमरान खान की हुकूमत की अगर कारकर्दगी नहीं तो आप सच बर्दाश्त करें, हक बर्दाश्त करें। आपका माजी देखें, आप माजी में क्या कहते रहे, माजी की तकरीरी आप उठा के देख लें तो आपकी वो तकरीरें और आज की तकरीर मुतजाद है, यानी कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद आ रहा है। अगर हम दूसरी बात करें कि फवाद चौधरी की, तो माजरत के साथ फवाद चौधरी साहब, आप हमें यह बताएं आप तर्जमान किसके हैं? कभी आप पीपल्स पार्टी के तर्जमान होते हैं, कभी आप परवेज़ मुशर्रफ के तर्जमान बन जाते हैं, कभी आप कॉफ लीग के तर्जमान बन जाते हैं। तो हमें ये बताएं फवाद चौधरी पहले कि आप तर्जमान किसके हैं? आज आप इसे गए, अब पता नहीं अगले इलेक्शन में आप किसके तर्जमान होंगे, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप सोच आपकी तंजीमें हैं। अच्छा, फिर एक और ड्रामा किया गया पिछले दिनों के चंद, वो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने गेम खेलने की कोशिश की, उनको जाली में वो करवा के अब पीटीवी पर जहाँ पर अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं चलती लेकिन चंद सहाफ़ियों की तकरीर 20 से 25 मिनट चलाई जाती है। तो भाई इतना खौफ आपका गया, खाने आप खिला रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब को भी ये मैसेज है कि सहाफ़ी जिंदा है, सहाफ़ी आज का सहाफ़ी जो है, जो एक तारीख है सहाफ़ी हमारी इसकी कि हमने कोड़े खाए हैं, हमने जेलें गए हैं, हमने जाने दिए, लेकिन हम अपने हक पर
कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज भी हमारा यही मैसेज है पीएफजी की क्यादत में, आरजी की क्यादत में, कि हम अपने हक के लिए खड़े हैं और ये जो काला कानून है हम इससे मुस्तरद करते हैं, नहीं मानेंगे। और अगर जैसे कि अपोजिशन की जमातें भी कह चुकी हैं कि इस कानून को नहीं मानेंगे, अगर कोई ऐसी हुकूमत जो है वो किसी तरह इसको ज़बरदस्ती पास भी करवाती है तो फिर हमारे पास आला अदलिया भी है, हम आला अदालतों में जाएंगे। ये पाबंदियाँ सहाफ़ियों पे नहीं हैं, ये पाबंदियाँ आवाम पे लगाई जा रही हैं। आवाम की आज़ादी इजहार राय को दबाने के लिए लगाई जा रही हैं। जर्नलिस्ट ने हमेशा इस मुल्क में आवाम की आज़ादी इजहार राय को प्रोटेक्ट किया है, उसका दिफा किया है, और ये जंग हम 70 साल से लड़ रहे हैं। और इस दफ़ा ये मार्शल लॉ से भी बुरा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि अगर वो कानून आ गया तो आपका सोशल मीडिया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया से घबराए हुए हैं, और उसके बाद ये टेलीविजन से घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम इनको इस तरह जकड़ें कि 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक जुर्माना होगा। और मुझे बताएं कि कौन सा चैनल है पाकिस्तान में जो 25 करोड़ रुपया जुर्माना अदा कर सकेगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, सीनियर सहाफ़ियों की राय भी जानी, आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।